तो आज की हमारी क्लास में हम SQL सर्वर के अंदर कुछ और जो कमांड है उनके बारे में जाना। तो सबसे पहले हम SQL सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो को खोलते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिंक्स डिस्टिंक्स ये डिस्टिंग क्या करता है? डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। क्या करता है? डुप्लीकेट को डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट करता है। हालांकि 2014 वगैरह में तो इसका हम यूज करते थे। अब ये देखना है कि जो लेटेस्ट हमारा 2021 वाला जो सर्वर है उस पे वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। जैसे ओके सर ओके सर डीटीए में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू पेज पे आते हैं और यहाँ पे न्यू क्वेरी पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने यहाँ पे लिख दिया डी डी ए, और मैं इसको यहां से करता हूँ रन। रन करते हैं, आप देख रहे हैं कि सब कुछ आ रहा है। इसमें जी सर जी सर हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे प्रोडक्ट लिस्ट आ जाए। क्या आ जाए? प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लैब स्टार की जगह पे लगाऊंगा स्लैब डिस्टिंक्ट DISTINCT DISTINCT, और यहाँ पे हम अपना फील्ड देंगे जो कि है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको करते हैं रन करते हैं, आप देख सकते हैं सारे डुप्लीकेट हट गए, यूनिक 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 रख देगा यूनिक। अब क्या हम इसको एक ही कंडीशन कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? जैसे मैं चाहता हूं प्रोडक्ट और मैं क्वांटिटी लेना चाहता हूं, तो प्रोडक्ट और यहां पे क्वांटिटी ले, तो मैं चाहिए चाहता हूं कि भाई जो प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी में से, मान लीजिए कि कैंडी जो है 50-50 के 10 ऑर्डर, यहाँ पे 50 का एक ऑर्डर दिखाएगा कि कैंडी 50 पीस का ऑर्डर आया, ठीक है ना। ठीक है। तो यूनिक तो सर यूनिक ये सर प्रोडक्ट ये में से प्रोडक्ट में से निकालेगा निकालेगा। जी हाँ, दोनों में से। दोनों में से। ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो पूरा एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर दिख रहा है आपको क्वान्टिटी, दिख रहा है, यस इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हम एक चीज और भी कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं काउंट, काउंट में यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे ओके एज टोटल ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बाय कर लाइन। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं तो मुझे लग रहा है मुझे एरर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं दिया, यहाँ बाय पे नहीं दिया ग्रुप बाय यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट लोअर डाउन, या नहीं, डिस्टिंक्ट पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा मैं ही काम करता हूँ, यहाँ टोटल देता हूँ, अगर मैं यहां से डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ तो ये वर्क करेगा। मैं ए
एक फील्ड पे बात कर रहा है ना, डबल फील्ड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, डिस्टेंस में क्या होगा, टोटल यूनिक लिस्ट आपको निकाल कर, इसका यूज हम लोग कर, जब पिवट टेबल नहीं था तो इसका यूज हम लोग करते थे। ठीक है, जैसे कोड कैसे वर्क करते थे, जैसे एक्सेल है, अब मुझे इस एक्सेल के ऊपर में क्या चाहिए, सारे प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सारे प्रोडक्ट का लिस्ट प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ डेटा में जाऊंगा, फ्रॉम डेटा, और यहाँ फ्रॉम डेटा बेस, और यहाँ से सीक्वल सर्वर है। ठीक है, अब सीक्वल सर्वर में क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो इसकी जो एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन यहाँ पे रख दिया। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, डेटाबेस का नाम है डीटी, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम डीटी, और यहाँ ऑप्शंस क्या होंगे, अपना एसक्यूएल कमांड जो है ये वाली, ये हम इसके अंदर डाल। ठीक ठीक है, एंड हम यहाँ पे करते हैं ओके, सारी लिस्ट आ गए, ओके यहाँ पे लोड कर। ठीक है सर, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ओके अब मुझे मान सर लीजिए एक चीज सर्वर पूछना है मुझे, बोलिए। जैसे आपने जैसे वहाँ पे आपने वहां पे यूनिक जब यूनिक किया जो किया था था एसक्यूएल पे एसक्यूएल प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट और और क्वांटिटी लगा क्वांटिटी के, लगा तो के, तो यूनिक यूनिक प्रोडक्ट का निकाला प्रोडक्ट था का या निकाला था क्वांटिटी या का भी क्वांटिटी यूनिक का भी किया था यूनिक। वो देखिए गया? हुआ क्या कि अगर मान लीजिए, मैं रन कर रहा हूँ तो ये यूनिक आया, प्रोडक्ट यूनिक आया, हाँ प्रोडक्ट लेकिन के अगर मैंने रिगार्डिंग। प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे क्वांटिटी लगाई, तो प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी का यूनिक आया। ग्रुप ओके बाय हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे कि देखिए बेबेज वन, बेबेज तो कई सारे आएंगे, लेकिन बेबेज वन क्वांटिटी दोनों का मिला के डुप्लीकेशन नहीं हो, दोनों को मिला के क्या है, डुप्लीकेशन नहीं हो। नहीं ठीक है, इसमें हम कंडीशन ये लगा सकते हैं कि वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, तो 50 से ऊपर वाले क्वांटिटी यहां पर आपको दिखेगी, 50 50 तो कुछ ज्यादा हो गया, 15 कर देता हूँ यहाँ पे स्प्लिट की, तो अब जो क्वांटिटी आ रहा है वो सिर्फ 50 वाले ही आ रहे हैं, 15 से ऊपर वाले ही आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्टिंग को। लिस्टिंग समझ में आ गया, जी, जी रिमूव मतलब रिमूव मतलब डुप्लीकेसी रिमूव डुप्लीकेट से करने के रिमूव लिए है ना करने के लिए। हाँ बेसिकली। हाँ मतलब यूनिक रिमूव तो नहीं, क्योंकि डेटा में रिमूव थोड़ी होगा, डेटा तो जैसा वैसा रहेगा क्या, जी समझ गए। अब ठीक बात करते हैं हम एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट पढ़ाया था आपको मैंने कि नहीं, नहीं सर। नहीं ओके। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट जैसे मेरे पास यहां पे अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहां पे आप लीजिए एस डेटा, एस डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अब एस डेटा के अंदर प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, सब कुछ, एस डेटा नहीं सेल्स करते हैं, सेल्स 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 यहाँ पे हम करते हैं एक्सपेक्ट, तो सेल्स पूरा आया। ठीक है, अब स्टार की जगह पे यहाँ पे हम आईडी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम, आईडी नहीं पी आई, पी आईडी फ्रॉम सेल्स, राइट। तो आप देखेंगे कि पीआईडी के सारे लिस्ट आ गए। अब यहां पे हम करते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और यहां देते हैं सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम, यहां पे आ जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या हो, अब लिस्ट में सिर्फ 24 है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। 21 तो इसने क्या इसने किया क्या सर किया ये सर, ये इसको इसको? इसने क्या किया कि वही पीआईडी, अब यहाँ पे जैसे कि पीआईडी है, तो यहाँ पे पीआईडी के साथ हम यहाँ पे पीआईडी रखते हैं, पीआईडी होते मतलब कि वही पीआईडी दिखाया जो दोनों इसमें
सीट वन में है बट सीट टू में नहीं, मतलब कि सेल्स में है बट प्रोडक्ट में नहीं है। मतलब हम दो डेटाबेस के अंदर इसको कर सकते हैं, एक डेटा में जो जो डेटाबेस में एक पहला डेटाबेस आपको वही दिखाएगा जो दूसरे डेटाबेस में नहीं हो। जैसे मान लीजिए ना कि आपको ये रिपोर्ट चेक करना है कि कितने लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा है पर फीस नहीं दिया है। मतलब दो शीट है, मतलब एक अप्लीकेशन फॉर्म की और दूसरी पेमेंट्स की। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म की जो डेटा है वो सारा डेटा दे दो जो कि पेमेंट में नहीं है, इससे मुझे पता चल जाएगा किस किस ने पेमेंट नहीं किया है। समझ में आया? ठीक है सर। अब इसी में एक्सपेक्ट की जगह पे हमारे पास एक आता है एग्जिस्ट। क्या आता है? दोनों में दोनों यूनिक में होना यूनिक चाहिए ना होना सर, चाहिए ना सर, पीआईडी दोनों में पीआईडी होना दोनों में चाहिए होना चाहिए, तभी वो देगा तभी वो ना। देगा। हाँ दोनों में होना चाहिए, यूनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स में तो पीआईडी कई बार रिपीटेड है ना। समझ रहे हैं? ठीक है। सर एक और सॉरी, और एग्जांपल इसका दे एग्जांपल इसका दीजिए देगा। थोड़ा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये ये समझा नहीं मैं, समझा नहीं मैं, पीआईडी पीआईडी 21 आया 21 है। आया है, 24 या 24 आया, क्योंकि सेल्स डेटा के अंदर, सेल्स डेटा में जाएंगे ना, तो सेल्स डेटा के अंदर आपका 24 नंबर पीआईडी है यहाँ पे, जो कि आपका इसमें नहीं है, सेल्स के प्रोडक्ट इसमें में है, नहीं बोथ है। प्रोडक्ट में नहीं। समझे? ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल एक नहीं है, ज्वाइन की तरह काम करता है, ठीक है ना। सीट वन का पूरा, सीट वन वही दिखाएगा जो सीट, मतलब कि जो हमारा सेल्स का वही आईडी पीआईडी दिखाएगा जो कि प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं नहीं है। अच्छा, इसमें एक एग्जिस्ट होता है, अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा एक्सपेक्ट की जगह? एग्जिस्ट में हमें कंडीशन देना यहाँ पे कि वेयर सेल्स डॉट पी आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट यही। अच्छा, सर ब्रैकेट्स भी क्यों कर दिया आपने? बेयर एग्जिस्ट आप देखिए, दिख रहा है? अब यहाँ पे पीआईडी, यहाँ पे पीआईडी को छोड़ के मैं ओवरऑल डेटा भी ले सकता सर ये हूँ। क्या सॉरी, हो गया इसमें इसने क्या किया, जो सेल्स की डेटा पीआईडी में एग्जिस्ट है उसी का लिस्ट दिया। जैसे कि आपको एप्लीकेशन, आपको जो है आगे प्रोसीड करना है कि भाई जिस जिसने फीस भर दिया है उसकी डेटा आगे भेज दीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो जो मुझे ये देखना है कि मेरे एप्लीकेशंस के वो सारे डेटा दे दो जो कि पेमेंट में अवेलेबल, वो सारे स्टूडेंट जो हमारी एप्लीकेशन में तो है और हमारी पेमेंट में भी। तो दोनों यहाँ में पे क्या एग्जिस्ट कर होगा, रहे हैं। हाँ दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। बेस किसको लेके चला है? सेल्स का। सेल्स के सारे ओ आई डी जो प्रोडक्ट में अवेलेबल है वो यहाँ दिखा रहा है, सेल्स के अंदर जो पीआईडी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है वो दिखाएगा। यहाँ लगाने का तरीका क्या है कि सिलेक्ट स्टार या जो भी आप फील्ड चाहते हो, फील्ड का नेम फ्रॉम सेल्स, ये आपका मेन डेटा हो गया, राइट। अब इसमें कंडीशन लगा कि वेयर एग्जिस्ट सिलेक्ट पीआईडी फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक
ठीक है ना। तो हम्म, यहाँ पे वी आर सेल्स पी आई डी एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल टू पी आई डी, गुड सेल्स की पी आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट की पी आई डी। प्रोडक्ट इसी में अगर मैंने वेयर के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं कि वेयर नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा वो आपको यहाँ दिखाएगा कि ये जो ऑर्डर है 24 पी आई डी, ठीक है ना, ये जो प्रोडक्ट है पूरा ऑर्डर है इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पी आई डी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, समझे। नॉट नॉट एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट, ठीक, क्लियर है। जी सर, जी सर, नॉट एग्जिस्ट। सर मेरे को वो नहीं भेजा नहीं भेजा आपने, आपने, रिकॉर्डिंग आप क्या रिकॉर्डिंग मैंने में मांगा था सर, मांगा था लास्ट सर उसका लास्ट आई उसका, थिंक ठीक है भूल आई थिंक गए भूल आप। गए आप, आज भेज देते हैं, ठीक है ठीक ठीक है सर, है सर। नॉट एग्जिस्ट। और फॉर्म आप जान ही रहे हैं, ग्रुप भाई आपको मैंने बहुत बता ही दिया। अब बात होती है हैविंग, क्या चीज सर, क्या चीज है हैविंग, हैविंग। हाँ जैसे अब इसको मैं डिलीट करूं, जी सर, यहां था सिलेक्ट सिलेक्ट यहां पे मंथ और यहां पे हम सम, सम के अंदर हमने डाल दिया क्वांटिटी, यहां पे डालता हूं एच टोटल, ठीक है। फिर यहां पे डालता हूं फॉर्म, फॉर्म में मान लीजिए मैं डाल देता हूं डी टी ए, तो फॉर्म हो गया फॉर्म डी टी ए, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे डाल दिया हमने ग्रुप बाय मंथ, ठीक है सर। अब इसको रन करते हैं, जी मतलब ये तो सर बताया हुआ है आपने, बंद करते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ देखिए क्या है 278 है, 279 है और 200 के लॉट है। अब मुझे यहाँ पे वो सारे मंथ चाहिए जिसकी सम 300 से ऊपर है। सम मैं कौन काउंट की बात, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी तो 1 से 20 तक है, सम माने जिस महीने का सम ग्रेटर देन 300 वही शो करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैविंग सम, और सम के अंदर यहां डालते हैं क्वांटिटी क्यूटीआई, यहां पे ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन देन रियल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वो सारे मंथ यहां से गायब हो गए जिस महीने में 300 से कम से टोटल, ठीक है। तो हैविंग क्या है, जैसे आप समरी निकाल रहे हो तो समरी के अंदर जो कंडीशन लगाना चाहते हो वो कंडीशंस आप लगा सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप ऊपर लगा सकते हो सेम फॉर्मूला आप नीचे लगा सकते, ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे कि समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर, नहीं तो हैविंग तुम्हें प्रॉब्लम है, नहीं सर, नहीं इन बताया था मैंने आपको इन, इन, यस सर, इन यस सर बताया इन था आपने, बताया जी हाँ, इन ऑन, ठीक है। तो अभी जो है हम जो नेक्स्ट क्लास सिर्फ में सर आज जैसा कंडीशन 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 के लिए ही के यूज लिए होता है यूज होता हैविंग, है या और या किसी और किसी सिचुएशन में भी यूज सिचुएशन कर में सकते हैं हैविंग कंडीशंस होते हैं, सर? हैविंग के लिए यूज होता है, नहीं, नहीं हैविंग का यूज हैविंग का मैं पूछ यूज रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जैसे कि हाँ आपने जैसे ये कंडीशन कंडीशन समरी लगाया के सर, अंदर कंडीशन, कंडीशन समरी कंडीशन के अंदर कंडीशंस, कंडीशन क्योंकि आप कंडीशन बेयर कंडीशन लगाओगे तो एक एक क्वांटिटी को चेक करें, मतलब एक एक एंट्री को चेक करें, ठीक है ना। मुझे यहाँ एक एक एंट्री नहीं पूरी की पूरी ग्रुप को चेक करना, मैं एक मंथ ग्रुप, मान लीजिए अप्रैल में मैं 50 से ऊपर से, ठीक है ना, तो मुझे 50 का टोटल चाहिए और टोटल के ऊपर कंडीशन रखना चाहिए, ठीक है ठीक है सर। ठीक सर है। वो सर वो वीडियो वीडियो होगा सर आपके होगा पास, आपके पास रिकॉर्डिंग लास्ट रिकॉर्डिंग उसका? लास्ट उसका,
हाँ देखता लास्ट हूँ, लास्ट खोजना लास्ट खोजना पड़ेगा ना कुछ कहीं का, अभी का तो मैं जस्ट भेज देता हूँ, बाकी कल वाली कुछ नहीं का।